हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कार DIY। मेरा नाम है विनीत और आज मैं फिर से हाजिर हूँ लेके एक नई वीडियो आप लोगों के लिए। वैसे तो अभी तक मैं काफी सारे हॉर्न रिव्यू कर चुका हूँ अपने चैनल पे, पर आज जो हॉर्न आपको मैं दिखाने वाला हूँ उसको देखने के बाद भाई साहब आपकी जो तलाश चल रही है ना बेस्ट हॉर्न फाइंड आउट करने की मार्केट में, वो खत्म हो जाएगी। जी हाँ, इस हॉर्न को लगाओ और भूल जाओ। ये है हेला का TE40 इलेक्ट्रॉनिक ट्रम्पेट हॉर्न सेट, फिट एंड फॉरगेट। ये एक न्यूली लॉन्च्ड हॉर्न है हेला की तरफ से, जिसके अंदर होती है एक इलेक्ट्रॉनिक चिप जो कंट्रोल करती है इस हॉर्न को। तो इस वीडियो में हम करेंगे इस हॉर्न को अनबॉक्स और चेक करेंगे कि कैसी है इस हॉर्न की आवाज। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न होता क्या है, कैसे काम करता है और नॉर्मल हॉर्न से ये कैसे डिफरेंट है, तो आप कमेंट जरूर करिए, हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियो उस पे भी बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं इसके बॉक्स से और जानते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। तो बॉक्स ही इतना सही डिजाइन किया हुआ है कि बॉक्स को देखते ही ऐसा लग रहा है कि भाई एक बहुत ही प्रीमियम हॉर्न है। अगर बॉक्स को इस साइड से देखें, थोड़ा जूम कर देते हैं, इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा होलोग्राम जो कि बताता है ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है हेला की तरफ से। साथ ही हेला 120 सालों से हॉर्न बना रहा है और 110 कंट्रीज में अवेलेबल है, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल के प्रोडक्ट हेला आपको डिलीवर करता है। अब जल्दी से इस हॉर्न के स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो लो टोन हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्स, वहीं पे हाई टोन हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्स। अगर बात करें साउंड प्रेशर लेवल या साउंड इंटेंसिटी की, तो 112 डेसिबल है इसकी साउंड इंटेंसिटी, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से है, मतलब कि नो टेंशन ऑफ चलान। अगर बात करें पावर कंजप्शन की, तो दो हॉर्न है और हर एक हॉर्न 48 वॉट कंज्यूम करता है। ये हॉर्न काम करता है 12 वोल्ट्स पे, मतलब कि ये एक यूनिवर्सल हॉर्न है, आप किसी भी व्हीकल में इसको यूज कर सकते हो जो कि 12 वोल्ट पे काम करता है, पर बेस्ट सुटेबल है ये कार्स के लिए। अगर बात करें करंट कंजम्पशन की, तो हर एक हॉर्न 4 एम्पेयर या उससे कम कंज्यूम करता है, मतलब कि ये हॉर्न सेट कंज्यूम करेगा 8 एम्पेयर या उससे कम। तो आप आराम से इस हॉर्न को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा लोड ऑन योर व्हीकल। साथ ही ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो कि कितने एम्पेयर का आप हॉर्न अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। अब अगली स्पेसिफिकेशन है कि ये हॉर्न आते हैं IP65 रेटिंग के साथ, मतलब कि ये हॉर्न है डस्ट और वाटर प्रोटेक्टेड। नीचे की तरफ कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं, इन हाइलाइट्स को देख लेते हैं। पहला है फार रीचिंग साउंड, इससे क्या है कि दूर तक आवाज जाएगी, आपकी रोड पे सेफ्टी बनी रहेगी, जो कि हेला की प्रायोरिटी भी है। दूसरा है आपको इसको वर्टिकली माउंट करना है अपराइट पोजीशन में, ताकि ओपनिंग नीचे की तरफ रहे और पानी डायरेक्ट अंदर ना जाए हॉर्न के। तीसरी हाइलाइट है वेदर रेसिस्टेंस, आप इसको हर वेदर कंडीशन में आराम से यूज कर सकते हो। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -40°C to 50°C, मतलब कि आप इसको हाई एल्टीट्यूड जैसी जगह जैसे कि लेह लद्दाख वहां पे भी आराम से यूज कर सकते हो, या फिर ऐसी जगह में जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जैसे कि राजस्थान में, वहां पे भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, इसकी आवाज कभी भी बदलेगी नहीं। फोर्थ हाईलाइट है कि इसमें आपको 5 लाख साउंड साइकिल की श्योरिटी मिलती है हेला की तरफ से। 5 लाख बार आप इस हॉर्न को आराम से यूज करो, कोई तकलीफ नहीं आएगी। साथ ही इस पे आप देख सकते हो 3 साल की वारंटी मिलती है, कोई भी ब्रांड अपने हॉर्न पे 3 साल की वारंटी नहीं देता है, इसीलिए हेला कहती है फिट एंड फॉरगेट। तो ये तो थी बात इस साइड की, अब देखते हैं बॉक्स को इस साइड से। यहाँ पे आपको MRP लेबल देखने को मिल जाएगा, पार्ट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 007-728-981, एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, और MRP की बात करें तो MRP है 3399। इस साइड आपको इसकी कुछ डायमेंशंस देखने को मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी बॉक्स डिटेल्स, अब बॉक्स को खोलते हैं और चेक करते हैं कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो कुछ ऐसी लुक है हॉर्न की, पहली लुक में मुझे हॉर्न बहुत सही लगे, जो ये क्रोम में लिखा हुआ है इसकी वजह से हॉर्न की जो लुक है वो बहुत ही एनहेंस हो रही है। इसके अलावा हमें बॉक्स में ये एक वारंटी कार्ड मिल जाता है
जिसकी हेल्प से आप इनकी वारंटी रजिस्टर करा सकते हो। इसमें हमें कोई भी वायरिंग नहीं मिलती है साथ में। अगर बात करें हॉर्न के साइज की, तो काफी बड़ा साइज है इस हॉर्न का, ABS मटेरियल से बना हुआ है। पीछे की तरफ मेटल है, ब्रैकेट अटैच्ड है, यूनिवर्सल टाइप टर्मिनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही ये एक इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न है, तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है। अगर बात करें इस हॉर्न के वेट की, तो साइज के हिसाब से हॉर्न का वेट काफी कम है। सिमिलरली ये है अपना लो टोन हॉर्न, जिसके ऊपर 400 हर्ट्ज लिखा हुआ है। पीछे से और आगे से बिल्कुल सेम है। तो सब कुछ बता दिया आपको इन हॉर्न के बारे में, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, हाईलाइट, कैसे दिखते हैं। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, इनकी आवाज कैसी है। भाई अच्छे हैं हॉर्न, चलेंगे, लंबे चलेंगे, पर आवाज भी तो सॉलिड होनी चाहिए। तो अब आती है बात साउंड टेस्टिंग की, पर साउंड टेस्टिंग हम यहाँ नहीं करेंगे। साउंड टेस्टिंग हम करेंगे ओपन एनवायरमेंट में, ताकि आपको एक रियल आइडिया मिल पाए और आपको पता लग पाए कि जब आपकी गाड़ी रोड पे चलेगी तब कैसी आवाज आएगी इन हॉर्न से। तो चलिए बाहर चलते हैं और साउंड टेस्टिंग करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो हम बाहर आ चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी के बोनट पे कर लिया है हॉर्न को सेटअप। क्वालिटी दमदार है हॉर्न की, पर आवाज अब टेस्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज दिखा देते हैं कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो अगर आप गलत कनेक्ट कर देंगे तो इश्यू हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, यहाँ नेगेटिव है। जो हमारी ब्लैक वाली वायर है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, वहीं पे रेड वाली पॉजिटिव से कनेक्ट है। अभी अगर हम ये हॉर्न का जो स्विच है हमारा, उसे प्रेस करेंगे तो ये हॉर्न साउंड करेगा। आपने देखा आवाज़ प्रॉपर आ रही है। पर अगर मैं इसके वायर इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब नेगेटिव को मैं पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो क्या ये काम करेगा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं प्रेस कर रहा हूँ, पर ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है हॉर्न। तो आपको इसका ध्यान ज़रूर रखना है जब आप कनेक्शन कर रहे हैं, कि पॉजिटिव नेगेटिव आप अच्छे से देख के करें। तो अब वापस से लगाते हैं सेटअप पे और आवाज़ सुनते हैं। अब माइक को मैं कैमरा पर्सन को ही दे देता हूँ, ताकि हमें एक रियल एक्सपीरियंस मिल पाए साउंड का। तो गाइस कुछ ऐसी है इस हॉर्न की आवाज़ अभी आपने सुनी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई और मुझे लगता है ये एक बहुत ही सही ऑप्शन हो सकता है जो एक परफेक्ट हॉर्न की तलाश में है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि लेह लद्दाख में। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारे यहाँ पे हॉर्न ही काम नहीं करते हाई एल्टीट्यूड पे। साथ ही कुछ लोग हैं जो बीकानेर वगैरह रहते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम समर्स होती हैं, 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ भी ये प्रॉपरली काम करेंगे हॉर्न। तो ये एक बहुत सही ऑप्शन है। और आप ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी इस हॉर्न की आवाज़, आपके क्या व्यूज़ हैं इस हॉर्न के बारे में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो तो लाइक करनी ही है, साथ में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ऐसा ही कॉन्टेंट आगे भी मिलता रहे। थैंक यू।